खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। दरअसल इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के महाराजा कॉम्प्लेक्स की कलघर पार्किंग में 5 हथियारबंद बदमाश प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार द्वारा तुरंत 3 टीमें तैयार कर थाने के फोर्स के साथ दबिश देकर महाराजा कॉम्प्लेक्स की कलघर पार्किंग में बैठकर डकैती डालने की योजना बनाते 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से एक लोहे की जंग लगी तलवार, धारदार हथियार, चाकू, छुरा, धारदार गुप्ती, आरी, हथौड़ी, लोहे का सरिया, ताला, शटर काटने की टामी जैसे हथियार जब्त किए गए। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना नाम रोहन बोसी, शुभम उर्फ बम, देव मनीष और नीलेश होना बताया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। एक्चुअल में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग के तलघर में 5 व्यक्ति शराब पी रहे हैं और वहीं पे इनके हाथ में कुछ हथियार भी है, और उसकी तस्दीक के लिए हम स्टाफ को भेजे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ये चीज क्लियर हो पाई थी कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने जो पेट्रोल पंप है इसके लूट के संबंध में ये लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। कितना आरोपी है? टोटल 5 आरोपी हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? जी बिल्कुल, सभी के अलग अलग आपराधिक रिकॉर्ड है, किसी के साथ हैं, 4 हैं, सब हैबिचुअल हैं। जी मैं अपने रिक्शा कंधा धल होती हूँ।